बहुत होनहार बची थी और बहुत शानदार काम कर रही थी। एल्बम से उन्होंने फिल्म तक का सफर तय किया था, बहुत मेहनत किया था उन्होंने, मैंने भी उनके साथ काम किया था। अगर किसी भी वजह से अपने प्राण त्याग दी तो निश्चित रूप से इसकी जांच भी होनी चाहिए और कोई भी इसके पीछे दोषी होगा तो उसको सजा भी होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी एक्टर समर सिंह को नेपाल की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब भोजपुरी एक्टर समर सिंह पूरी तरह से फंस चुके हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि नेपाल की पुलिस अब समर सिंह को यूपी पुलिस को सौंप रही है। तो दोस्तों यूपी की पुलिस घसीटती हुई समर सिंह को जेल लेकर के जा रही है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे ने जब से आत्महत्या की है तभी से समर सिंह फरार चल रहे थे। वह यूपी पुलिस की पहुँच से दूर थे जबकि यूपी पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही थी। यूपी की तीन टीम मिलकर के समर सिंह को खोज रही थी पर समर सिंह का कोई भी पता नहीं चल रहा था। जी हाँ दोस्तों, तब जाकर के नेपाल की पुलिस ने समर सिंह को गिरफ्तार किया और यूपी पुलिस को सौंप दिया। जी हाँ दोस्तों, अब यूपी पुलिस समर सिंह से बहुत सारे सवाल पूछेगी। इन दिनों सोशल मीडिया पर सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक शख्स आकांक्षा दुबे को 2 बजे रात में छोड़ने जाता है और 17 मिनट तक उसके रूम में रहता है और उसके जाने के बाद आकांक्षा दुबे इंस्टाग्राम पर लाइव आती है, फूट फूट कर रोने लगती है, फिर उसके बाद फांसी लगा करके अपनी जान दे देती है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि कहीं न कहीं इस आदमी का जरूर कनेक्शन है समर सिंह से।